हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ग्रीक क्लासेस एंड माय सेल्फ अक्षत मौर्य। और जैसा कि आज की हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी कर हमारे साथ में जुड़ जाएं ताकि जो आज की हमारी क्लास है वो अच्छे चलाई जा सके। और यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस चलती है जो सेमेस्टर वाइज है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। तो आज यहाँ पर मैंने सेकंड सेमेस्टर की क्लास लगाई है, ठीक है, जो कि एक आप लोगों की सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेज। ये आप लोगों की जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों का बहुत ही स्पीड में चल रहा है, 5 से 6 चैप्टर बचे हैं और ये जल्दी ही खत्म होने हैं आपने। समझ रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको हम देखेंगे कौन सा चैप्टर आज हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि आज आपको यहाँ पर पढ़ना है फूल गोभी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग आज? फूल गोभी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कॉलीफ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में? हम लोग इसको कॉलीफ्लावर कहते हैं। फूल गोभी को क्या कहा जाता है? कॉलीफ्लावर। चलिए इसका हम लोग बॉटनिकल नेम देख लेते हैं। बॉटनिकल नेम क्या है इसका? जैसे कि इसका बॉटनिकल नेम है ब्रैसिका ओलेरेसिया। और देखिएगा इसका जो फैमिली है ये किस फैमिली का है, किस फैमिली की है ये सब्जी? तो इसको हम लोग क्रूसीफेरी का, किसकी? क्रूसीफेरी, ठीक है। ये किस फैमिली की है? क्रूसीफेरी, है ना, क्रूसीफेरी फैमिली की है, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, इसको नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें जो फूलगोभी है ये भारतवर्ष की शीतकालीन सब्जियों में से प्रमुख सब्जी है ये, ठीक है। एक प्रकार से ये सब्जी है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा और इसकी सब्जी भी खाई होगी आप लोगों ने, जो कि अधिकतर उत्तरी भारत में उगाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ उगाई जाती है? उत्तरी भारत में उगाई जाती है और इसकी सब्जी बनाई जाती है, इनके जो फूल होते हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। इसको जो है गोभी और फूल गोभी दोनों नामों से जाना जाता है। बस मैं समझ रहे हैं, ठीक है। फूल गोभी और गोभी दोनों नाम से इसको जाना जाता है। कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आस्था प्रताप कह रहे हैं कि सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लगाया करो। बिल्कुल लगती है, आप टेंशन ना लीजिए, नेक्स्ट डे आपके फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लगेगी, ठीक है। दो दिन आप लोगों का सेकंड का चलाते हैं, दो दिन आप लोगों का फर्स्ट का चलाते हैं, है ना। और कौन है ये? अरविंद कुमार, ठीक है भाई, ओके वेलकम है। ये आरजू दीन को ये भैया देखो मॉर्निंग हो गई है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, बता रहे हैं भैया कहाँ हो अभी, जगह हो। प्रवेश तिवारी राम राम अयोध्या सब, बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है, सभी का वेलकम है। तो आइए देखते हैं इसकी वर्गीकी हम लोग देख लेंगे, वर्गीकी थोड़ा सा इसके वर्गीकी में बता देते हैं, टैक्सोनॉमी में बता दें आप लोगों को। तो जैसे कि बता दें कि वे सभी सब्जियां जिन्हें कोल क्रॉप्स कहते हैं, आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया भी था कोल क्रॉप्स। जैसे कि आपको बता दें फूल गोभी, पत्ता गोभी, है ना, केल हो गए, है ना, ब्रोकोलाई हो गए, ये आपके क्या होती है? इनको कोल क्रॉप्स कहते हैं, कोल, इन क्या कहते हैं? कोल क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे जो फूल गोभी है क्रूसीफेरी फैमिली का है ना, और इसका जो जीनस है इसका ब्रैसिका, और इसका स्पीसीज जो है वो है ओलेरेसिया। बात समझ रहे, समझ रहे हैं, ठीक है। ये एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना, इसकी टैक्सोनॉमी। आइए इसकी प्रजातियों की बात करते हैं हम लोग, प्रजातियां। तो देखिएगा इसकी जो प्रजातियां हैं वो तीन वर्गों में बांटी गई हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें अगेती, है ना, अगेती प्रजातियां जो कि आपकी सितंबर से नवंबर के बीच तक के तैयार होती हैं, है ना, और मध्य ऋतु प्रजातियां जो नवंबर तक तैयार होती हैं आप लोगों की, ठीक है। और देर से तैयार होने वाली ये क्या होती है? जो मध्य जनवरी से लेकर अप्रैल तक के तैयार होती है, ठीक है। तो तीन प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। आइए हम इनके प्रजातियों के कुछ नाम जानेंगे, है ना, यहाँ पर इनकी प्रजातियों के आइए हम लोग कुछ नाम जानते हैं। जैसे कि शीघ्र तैयार होने वाली कुछ है, जैसे कुमारी हो गई, अरली पटना हो गई, है ना, हाजीपुर अरली हो गई, ठीक है। ये आपकी कौन सी है? ये आपकी जो है शीघ्र तैयार होने वाली है। मध्य में तैयार होने वाली कौन सी है? अगहनी, पूसी,
पटना मेन क्रॉप, ठीक है, ये आपकी मध्य में तैयार होती हैं। और देर से तैयार होने वाली देखिए कौन सी है, जैसे डेनिया हो गई आपकी, है ना, और स्नोबॉल हो गई, सटन स्नोवॉल हो गई, स्नोवॉल हो गई, है ना, तो ये देर से हो गई। कुछ नवीन प्रजातियों के नाम बता दें आपको, तो पूसा स्नोबॉल वन हो गई, पूसा स्नोबॉल के वन हो गया, पूसा स्नोबॉल टू हो गया, ठीक है। तो ये आपकी जो है कुछ नवीन प्रजातियां हैं हमारी, है ना, तो बिल्कुल इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इनके नाम एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप अभी हालांकि काफी सारे नाम है इनके, बहुत से नाम है, लेकिन मैंने थोड़े बहुत नाम आपको बता दिए हैं इसके, है ना। आइए हम इनका चलेंगे और फसल चक्र जानेंगे, फसल चक्र जानते हैं हम लोग। देखिएगा हमने वर्गीकरण जानी, प्रजातियां जानी इनकी, फसल चक्र कैसा आप फसल चक्र अपना सकते हैं, तो आप लोग मक्का फूलगोभी बैंगन का फसल चक्र अपना लीजिए, या फिर उर्द फूलगोभी और लोबिया का अपना लीजिए, ठीक है, या फिर तुराई फूलगोभी भिंडी का अपना लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग को जो है फसल चक्र ये अपना सकते हैं आप लोग, बस मैंने समझाए। इसके लिए आपको भूमि कैसी चाहिए आपको बता दें, चलिए भैया भूमि आपको कैसी चाहिए, तो जैसे कि बता दें आपको इसकी जो खेती है कुछ प्रकार की भूमियों में की जाती है, जैसे कि आपको बता दें कि शीघ्र फसल अगर लेना है तो उसके लिए बलबार दोमन मिट्टी जो हमारी होती है वो उपयुक्त होती है, ठीक है, और जबकि जो दोमट या जो चिकनी मिट्टी होती है ना, बलबार और दोमन मिट्टी में अंतर है, ठीक है, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी जो है ये क्या होती है, देर से तैयार करने वाली, इसमें मतलब इसमें आपकी जो फसल होगी वो देर से तैयार होती है, बस मैंने समझ रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि इसकी खेती के लिए जो पीएच है कितना पीएच होना चाहिए, तो आपका 5.5 से 6.6 तक के पीएच इसमें माना जाता है कि ये पीएच जो है होना चाहिए, बस मैंने समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसकी भूमि, है ना। आइए हम लोग इसकी जलवायु की बात करते हैं कि कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो भैया जलवायु जैसे बता दें जो फूलगोभी है वो ठंडी और नम जलवायु दोनों को पसंद करती है, ठीक है, बस समझ रहे हैं ठंडी और नम जलवायु जो होती है वो दोनों को पसंद करती है, ये ना तो बहुत ज्यादा जो है कम तापक्रम और ना ही ज्यादा अधिक तापक्रम को सहन कर पाती है, समझ रहे ना, तो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल बेस पे होना चाहिए, ठीक है, जो जलवायु आपकी है ना। इसके बाद आइए चलते हैं हम लोग इसके अगला है जो बीज की कितनी मात्रा होनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बीज की मात्रा, तो जैसे बता दें अगर अगेती फसल है आपकी तो उसके लिए आपको 600 से 750 ग्राम बीज आपको लेना है, बस मैंने समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो देर से होने वाली जो फसल है तो उसके लिए आप लोग 375 से 400 ग्राम तक के जो है आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप लोग जो है इसकी बुआई कर सकते हैं, इनके बीज ले सकते हैं, बस मैंने समझ रहे हैं, ठीक है, ये रही आप लोगों की बात। इसके बाद चलिए आप लोग रोपाई कैसे करेंगे, आप लोगों ने बीज की बुआई कर दी तो रोपाई आपको कैसे करनी है, जब आपके जो पौधे हैं वे 4 से 6 सप्ताह के हो जाए तो उनकी रोपाई कर लेनी चाहिए, ठीक है, जो पौधे 4 से 6 सप्ताह के जब हो जाए तो उनकी रोपाई कर लेनी चाहिए, ओके। अब हम चलते हैं और समझते हैं कि खाद और उर्वरक आपको कितने देनी है, खाद एवं उर्वरक कितनी मात्रा में देनी है आप लोगों को, तो जैसे कि बता दें आपको जो नाइट्रोजन है वो 120 किलोग्राम ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बता रहे हैं, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन आपकी, 80 किलोग्राम आपकी फास्फोरस और 40 किलो आपकी जो है पोटास, इतना आपका इतनी मात्रा में आपका ये चाहिए, बात समझ रहे ना, खाद और उर्वरक चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग कंपोस्ट खाद, आप लोग गोबर की खाद भी आप लोग डाल सकते हैं, उससे आपकी फसल और ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। कुछ आइए हम लोग समझते हैं कि अंतःक्रियाएं कौन कौन सी की जाती हैं भैया, अंतःक्रियाएं भी आपको करना पड़ेगा, जैसे शीघ्र और उथली जो है आप लोगों को निकाई गुड़ाई करके जो खरपतवार है उनको नष्ट कर देना है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अंतःक्रियाओं में आप लोगों को जो नष्ट जो खरपतवार है आप उनको नष्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग सिंचाई, जब हम समझते हैं कि आपको सिंचाई कब कब करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, कैसे करना है, तो भैया बता दें आपको कि रोपाई के तुरंत बाद आपको जो है क्या करना है, सिंचाई, है ना, सिंचाई करने के बाद जो है जो अगेती फसल है उसमें एक सप्ताह के अंतर पर, ठीक है, और देर से होने वाली जो फसल है उसमें 10 से 15 दिन के अंतर पर आपको सिंचाई करनी है, बस समझ रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अरविंद कह रहे हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर के रमलू का
पेपर की डेट कब आएगी भैया? जल्दी आएगी, आप परेशान ना होइए, ठीक है? आएगी, अभी डेट जल्दी आएगी, अब टाइम आने वाला है, ठीक है? अभी परेशान ना होइए। मानसी आ चुकी है हमारे साथ में, जुड़ी है, वेलकम है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, राधे राधे, बहुत दिनों बाद आए हैं, है ना? अरविंद कुमार जुड़े हैं कोई हमारे साथ में, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है ना, इतने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही सभी लोग जुड़ते रहा करें बस हमारे साथ में, ठीक है ना? आइए, इसकी कटाई आपको कैसे करनी है, कटाई तो जैसे बता दें कि इसकी कटाई जो है उस समय पर करनी चाहिए जब इसका जो फूल है उनका आकार बिल्कुल अच्छा हो गया हो, ठीक है? आकार बिल्कुल अच्छा हो गया हो और उसका रंग ना बिगड़ा हो, बस मैंने ना, तो उस टाइम पे आप लोगों को जो है इनकी कटाई करनी है। जब आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि अब हाँ हम इसकी जो है फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, बस समझ रहे हैं। इसमें देखिएगा, अगर आप कटाई करेंगे तो आपका पैदावार कैसी होगी, चलिए पैदावार के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसी पैदावार होगी हमारे यहाँ पे, है ना? तो जैसे कि जो फूल गोभी है ना, तो उसकी जो है 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है, बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है? 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार होती है, ठीक है? आइए, पैदावार आप लोगों ने समझ लिया है ना। इसके बाद देखिएगा, अगली हेडिंग है आपकी ग्रेडिंग, क्या है आपकी हेडिंग? ग्रेडिंग है, देखिएगा ग्रेडिंग, देखिए इसमें ग्रेडिंग भी दी जाती है, जैसे इसमें रंग आकार गुण और जाति के अनुसार इसमें तीन ग्रेड में इसको विभाजित किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, तीन ग्रेड में इसको विभाजित किया जा सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है ये, ठीक है? अब आपने ग्रेड कर लिया, इसको भंडारण आप कैसे करेंगे, इसका भंडारण कैसे करना है आप लोगों को, तो जैसे कि फूल गोभी लगी हुई जो फूल गोभी पत्तियां लगी हुई जो होती हैं उसमें 85 से 90% आर्द्रता के साथ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 महीने तक के भंडारित की जा सकती है जो फूल गोभी है, बस समझ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद चलते हैं हम लोग जो है इसमें मेन चीज समझेंगे कि कीड़े मकौड़े, कौन कौन से कीड़े मकौड़े लगते हैं, चलिए तो देखते हैं भाई, इसमें आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन से कीड़े मकोड़े लगते हैं। जैसे हम सबसे पहले नंबर की बात करेंगे यहाँ पे, तो हम बात कर रहे हैं एक की कैबेज, देखिएगा कैबेज एवं टर्निप एफिड्स, ठीक है? एक ये आपका कीड़ा लगता है, कीड़े मकोड़े इनमें, इसमें एक नाम है आपका, तो ये क्या करता है, ये फसल के अंतिम समय में या बीज उत्पादन के टाइम पर ये हानि पहुंचाता है फसल को, बात समझ रहे हैं, ठीक है? अगर आपको इसकी रोकथाम करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, आपको एक बता दे मेलाथियन का आप 0.5% का घोल आप लोग जो है घोल का आप लोग छिड़काव करवा दीजिए, बात समझ रहे हैं, ठीक है? समझ रहे ना? इसके बाद देखते हैं और कौन सा है, देखिएगा एक और दूसरा आपका, दूसरी कौन सी कीड़ा मकोड़ा, तो दूसरा है आपका देखिएगा ग्रीन कैबेज वॉर्म एवं कैबेज लूपर एवं कैबेज लूपर, ग्रीन कैबेज वॉर्म एवं कैबेज लूपर, तो ये देखिएगा क्या करता है, ये जो है पौधों की पत्तियों को खाते हैं, समझ रहे हैं, ये क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों को खाते हैं, है ना? और इसमें भी आप लोग जो है मेलाथियन ही छुड़वा सकते हैं, मेलाथियन 50 EC का जो है आप लोग, लेकिन छिड़काव आपको करना है 0.08% का, समझ रहे हैं, 50 AC का जो है आपको जो घोल है आपको 0.08% का आपको छिड़काव करवाना है, बात समझ रहे हैं, ठीक है? तो ये आपकी रही कुछ कीड़े मकोड़े, आपके कीड़े मकोड़े के बारे में बताया मैंने, ठीक है? आइए हम लोग चलते हैं इनकी बीमारियों के बारे में जानते हैं, बीमारियां कौन कौन सी इसमें बीमारियां होती है, देखिएगा सबसे पहले नंबर पे आपको बता दें तो इसमें कौन सी बीमारी होती है, डैपिंग ऑफ, कौन सी, डैपिंग
डैपिंग ऑफ। तो ये देखिएगा क्या होता है, ये नर्सरी की सबसे मुख्य बीमारी होती है। नर्सरी की ये सबसे मुख्य बीमारी होती है। इसको अगर आपको रोकना है तो आप बीज बोने के 3 से 4 सप्ताह पहले फॉर्मेल्डिहाइड का या फिर आप लोग फंजीसाइड द्वारा नर्सरी घर को भरना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड या फिर किसी अन्य फंजीसाइड के द्वारा जो है नर्सरी को भरना चाहिए और आपको उपचारित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बात समझ रहे, समझ रहे हैं ठीक है। इस बीमारी से अगर आपको बचना है। और इसके बाद दूसरी आपकी देखिएगा कौन सी है, ब्लैक रॉट। दूसरी आपकी कौन सी है, ब्लैक रॉट। देखिएगा ब्लैक रॉट क्या करती है, ये पत्तियां जो है, ये जो होती है ना, ये पत्तियां पीली तथा बाद में जो नसें होती हैं उनको काली कर देती हैं, है ना। ये बीमारी जो है, ये बीमारी अगर होती है तो पत्तियां पीली पड़ जाती है और उसकी जो नसें होती है वो काली हो जाती है, है ना। अगर आपको इसकी रोकथाम करनी है तो देखिएगा क्या करना है, बीज को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 30 मिनट तक रखना चाहिए इसमें, है ना। जब आप लोग बीज बो रहे हैं तो उससे पहले आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 20 से 30 मिनट के लिए आपको रखना है, ठीक है। और आपको बता दें लंबे फसल चक्र तथा अवरोधी जातियों को अपनाना चाहिए। जो लंबा फसल चक्र अपनाइए या फिर और आप लोग अवरोधी प्रजातियों को अपनाइए जो जातियां हैं। बात समझ रहे, ना समझ रहे हैं ठीक है। इसके बाद इसमें और कुछ आपकी बीमारियां होती हैं, जैसे सॉफ्ट रॉट हो गई, क्लब रॉट हो गई, ब्लैक स्पॉट हो गए, ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, है ना ठीक है। एक है आपका फोमा लिंगम, देखिएगा ये आप लोग याद रखिएगा, इसको आपको बता देते हैं फोमा लिंगम। ये देखिएगा इससे क्या होता है, इसमें पौधे सूख जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी रोकथाम करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बीज पर जो है गर्म पानी का उपचार करना चाहिए। अगर आपको इसकी रोकथाम करनी है तो बीज पर गर्म पानी का उपचार करना चाहिए, है ना। और अवरोधी जातियों का प्रयोग जो है इसमें करना चाहिए, जो अवरोधी जातियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। बस समझ रहे हैं ठीक है। अगर आपको और रोकथाम इसकी करनी है तो आप लोग डाइथेन एम 45 के घोल का आप छिड़काव करवाइए। समझ रहे हैं ठीक है। तो ये रही आपकी कुछ जो है बातें, हमारा जो हम पढ़ा रहे थे कलीफ्लावर के बारे में, फूल गोभी के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें जो भी मैंने बताया है तो बिल्कुल इसको एकदम परफेक्ट तरीके से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बस यहाँ से हम चलेंगे और नेक्स्ट डे आप लोगों को फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ में। ओके, बाकी मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे साथ में लगातार सभी लोग जुड़ते रहा करें, चैनल को सपोर्ट में रखिए, है ना। और बाकी आप लोग वीडियो वगैरह को लाइक कर दिया करिए और जो है शेयर किया करिए, कमेंट भी किया करिए, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब भी करके रखिए हमारे चैनल को, तो हमारी जो वीडियोज होती है, लाइव क्लासेस होती है, जो शॉर्ट्स होती है, उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच जाया करें। ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए जो लोग हमारे साथ में जुड़े उनको वेरी वेरी थैंक्स। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सभी को बाय।